रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत हेल्दी हैं। और इनको बनाने का जो रीज़न है वो ये कि अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना चाहिए। जो इस कंडीशन इस वक्त है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, और हेल्दी रखने के लिए हमें ऐसी चीज़ें खानी हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करें और इम्प्रूव करें। इसके लिए मैं ले रही हूँ, ये है अखरोट, वॉलनट, पिस्ता, काजू, बादाम, तिल, खजूर, किशमिश और इंजीर। खजूर और किशमिश और इंजीर, ये जिन लोगों को शुगर है वो इसको प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत मीठी होती हैं और ये वो चीज़ें हैं जो कि कुरान में भी इनका जिक्र है और ये बहुत हेल्दी होती हैं, इसलिए इनको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। लेकिन जिन लोगों को जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो प्लीज़ इसको यूज़ ना करें। तो इसलिए ये मिठास के लिए मैंने इस्तेमाल करनी है, मैं इसमें चीनी वगैरह या गुड़ वगैरह इस्तेमाल नहीं करूँगी। तिल वाइटामिन डी से भरपूर होते हैं, इसी तरह जो पिस्ता है ये आपकी किडनी को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है, अखरोट आपके ब्रेन को हेल्दी रखता है, और बादाम जो है उससे आपके बाकी बॉडी सिस्टम पार्ट्स हैं वो इम्यून हो जाते हैं। तो अब हम इसको प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले आप इन सब चीज़ों को जो है वो ग्राइंड कर लें, पाउडर फॉर्म में आ जाए। आप इन सबको, अगर आपके पास बड़ी मिक्सी है तो उसमें भी आप एक साथ सबको कर सकते हैं। ये हमने बादाम को अच्छी तरह पाउडर फॉर्म में बना लिया है। इसमें से जो बादाम आपके नहीं हुए हुए ग्राइंड, उनको उठा लें और उनको दोबारा ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद आप पिस्ते को ग्राइंड कर लें। पिस्ता भी हमारा अच्छी तरह ग्राइंड हो गया है। इसके बाद हम काजू ले लेते हैं। हमने सारी चीज़ें एक बड़े बाउल में मिक्स करनी है। इसके बाद हम अखरोट को प्रोसेस करेंगे, इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। जब इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर रहे होते हैं, क्योंकि ये नट्स हैं तो इनमें ऑयल काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। चीज़ों में ऑयल ज़्यादा है इसलिए हम ऑयल बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। मैं कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करूँगी जितना मुझे ज़रूरत पड़ेगा। अब तिलों को भी हल्का सा ग्राइंड कर लें। तिल भी ग्राइंड हो गया हमारे। इसके बाद हम इंजीर मैंने जो लिए हैं उनमें से मैंने तकरीबन 8 से 9 पीस इंजीर के लिए थे, उनको मैंने अच्छी तरह धो के और उनके मैंने ये पीसेस कर लिए हैं, ठीक है। इसी तरह से अब मैं खजूर में से गुठली निकाल लूँगी। ये मैंने खजूर जो ली है नरम वाली खजूर ली है। अब जो अंजीर हमने छोटे छोटे पीस किए हैं, इनको और किशमिश को मिक्स करके हमने ग्राइंड करने की कोशिश करनी है। बहुत ज़्यादा फाइन चॉप तो नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट इनकी मिठास जो है वो बाहर तक हो जाएगी। तो हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमारे अंजीर और किशमिश है जो कि काफ़ी हद तक चॉप हो गए हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। सबसे पहले जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं उनको अच्छी तरह सबको मिक्स कर लें, नट्स जितने भी थे आपके। अब इसमें मैं खजूरें ऐड करके इसको अच्छी तरह खजूरों को हाथ की मदद से मसल लूँगी, ताकि इनमें मिठास जो है वो अच्छी तरह हो जाए, सारे नट्स मिक्स हो जाए। खजूरें तो बिल्कुल मिक्स हो गई हैं। अब हम साथ ही
अंजीर और किशमिश को मिक्स कर लेते हैं। इनको भी इसी तरह अच्छी तरह मिक्स करें ताकि सारे ड्राई फ्रूट्स और ये जगजा हो जाएं और हम इनको शेप दे सकें। यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगा ऑयल, अगर जब आप इनके को शेप देंगे तो कोकोनट ऑयल लिया है मैंने इस्तेमाल के लिए। आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जैतून का तेल, ओलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमारा बैटर रेडी है, आप इसको अब जो शेप देना चाहें दे दें। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल आप ले लें जो आपने हाथ पे लगाना है, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी नट्स में ऑयल है, और थोड़ा थोड़ा जितना साइज़ आपको चाहिए उतने साइज़ में आप इस बैटर को लें और इसको जो भी आपने शेप देनी है वो आप दे दें। आप इसके छोटे छोटे लड्डू भी बना सकते हैं, और अगर कोई शेप देनी है तो उसके लिए आप ये सांचा इस्तेमाल करके जो कुकीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इस तरह की शेप भी आप दे सकते हैं। इसी तरह सारे बैटर से हम जो है ये लड्डू बना लेते हैं, और या इनको शेप देनी है तो हम इनको शेप भी दे लेते हैं। मैंने कुछ बैटर को जो है वो लड्डू की शेप दी है, ठीक है, आप इसके गोल बॉल्स बना सकते हैं, और कुछ को जो है वो मैंने बर्फ़ी की शेप दी है। आप कोई सांचा भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स देने के लिए, सिंपल सी शेप बर्फ़ी की भी आप रख सकते हैं। तो ये बहुत सेहत बख्श है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, प्लस ये कि ऑर्गेनिक फूड पे है, कोई भी इसमें हमने इनऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल नहीं की है और ना ही हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा मिठास वगैरह के लिए इस्तेमाल किया है। जस्ट हमने ड्राई फ्रूट्स और ड्राई नट्स को, नट्स और ड्राई फ्रूट्स को हमने इस्तेमाल करके एक इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए एक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आप कि जब ये रेडी हो जाए तो आप इसको फ्रिज में रखें, ढककर एक टाइट कंटेनर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और जब भी खाने हैं तो स्पेशली सुबह नाश्ते से पहले जो है वो आप निहार मुँह ज़रूर इसका इस्तेमाल करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाए और जो आपकी कुदरती मुदाफ़ियत है वो बढ़ जाए और आप तमाम जो सीजनल बीमारियां हैं उससे महफूज रहें। और ये बहुत हेल्दी है और ग्लूटेन फ्री है। आई होप कि आप लोग रेसिपी को लाइक करेंगे, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।